जी स्वीटी जी बहुत तेज लगी, बाद में डांस करेंगे, बहुत तेज लगी है। हमें सिखाओ ना बाबूजी। बाबूजी जान दो ना, प्लीज जान दो, बहुत तेज लगी है। जिया जल्दी बाहर आओ। अरे कल जामौड़ी की शादी है और जे गुड्डा गुड़ियन में लगी है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और सरला तुमने अपने मोड़ा मोड़ियन को कछु सहूर और नहीं सिखाओ का? ओ भैया जो तो तुम बोलो ही नहीं रज्जो, जे हम में जितने भी सहूर है ना, सबरी हमारे भोली अम्मा ने सिखाए हैं। लो हर बात पे जे मोड़ी की जबान कैची की तरह चलत है। गुड़िया का है? ओ भैया ग्रेट लेडी, हाँ मैं कह समझा रही, हम नहीं बोल रहे वो वाली बात। कौन सी बात है? हाँ कह जोड़ रहे बाबूजी, हम तो अपनो मुंह वैसे भी बंद रखेंगे अम्मा, वरना को भी नहीं बताएंगे बुआ जी के गुप्त रोग के बारे में। अम्मा और बाबूजी ने कही है आपके गुप्त रोग है ना, बाकी बारे में को बताने नहीं है। का? सरला और दामाद जी ने जे कही है कि हमें गुप्त रोग हो गया है? बुशिट, पापा। सरला, तुम इतने आओ, बता रहे तुम्हें अभी। तुमको थोड़ी भी अकल है कि नहीं? क्या करते रहते हो यार, उड़िया। मैं बिल्कुल शर्म नहीं आई? इतना झूठो इल्जाम तुमने हम पर लगा दो। बुआ जी का पीठ पीछे इतने झूठे और गंदे इल्जाम लगा रही, हमें बदनाम कर रही और सामने बुआ जी हो रहा है। ओ गुड़िया, हम कह रहे निकल जाओ, अब बहुत हो गया, जल्दी निकल जाओ। निकल जाए जे बेइज्जती करने के लाने हमें तो रोको है तुम दो ने। वो नहीं कह रहे थे हम तो जिया को निकलने को कहते ना, हमें तो लगी ना, हम कहते निकल जाओ निकल जाओ। और बुआ जी हमने भी गुप्त रोग वाली बात नहीं बोली आपके लाने, मतलब। अरे तो बोलोगी कहाँ से, जब हमें है ही नहीं तो कैसे कहते हो तुम? तुम सब लोग कान खोल के सुन लो आज, ना हमें गुप्त रोग है, ना होगो, ना कभी हुई है। साबास रज्जो साबास, जो विश्वास होना चाहिए कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाते है। अरे हाओ बाबूजी मन में ठान ले तो कहानी हो सका। तालियां रज्जो के लाने तालियां। वाह समधन जी। हाँ। समोसा और जलेबी ले आए थे, एक बहुत ही शुभ काम करने के लाने निकल रहा है, तो हमने कही कि चलो आपको आपको भी मतलब सबको मुँह मीठो कर तो चले। ये तो नहीं लग रहा, मतलब दो दिन बाद जो घर में शादी है और शादी को घर ही नहीं लग रहा, सब ठंडे पड़े हैं। आपके होते हुए सन्नाटा, मतलब सोवा नहीं दे रहा आप कछु, मतलब हम का कहे अब? अरे कछु भी अपनी स्टाइल में, मतलब जो बुआ जी अब प्लीज संभाल लो आप सब कछु। अरे दामाद जी आप कैसी बात कर रहे, अब आप जब कह रहे हो तो देखने तो पड़े ना हम सरला। अरे बिरला गिफ्ट आए हैं, बाकी पैकिंग करी की नहीं करी है? तुम लोग मुंह का देख रहे हैं, चलो भैया काम में हाथ बटवा लो, तनक जल्दी जल्दी लगो, आओ लगो, चलो सब ते आओ साथ आओ। हाँ हम जे काम निपटा ले पहले। समधी जी चाय तो पीते जाते। अब कहा है कि सब कछु अपनी मोड़ी की शादी के बाद मुद्दू की हल्दी मेहंदी की व्यवस्था जमा नहीं, अपन कोई संभालना, तो आप तो टेंशन लो मत, आप सब देख रहे हैं है ना, तो चले। मुद्दू हमारे पास एक प्लान है इतने से भगबे का। कैसे? अब खुदा ही समझ में आ जाए कैसे।
का हाल बना रखो है कि तो पसीना आ रहा है यार। कल तुम्हारी शादी है, याद है क्या? भूल गए हैं? कितने फिर रहे थे महल में मारे मारे? अरे जो टेम तो जो है सजुए सजावे को है, हमारे साथ आओ। चलो चंदू जी आप भी आ जा। सोच रहे यार, गुड़िया तो चली जाएगी, फिर हम उसके बिना रहेंगे कैसे यार पप्पू? नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, जैसे जैसे हम रहेंगे, जैसे सब रहेंगे बाबूजी, वैसे ही रहेंगे हम लोग। बढ़िया कपड़ा पहन के आ गए। कहो गो बाऊ जी, आज हमारी गुड़िया की हल्दी है। जिया कितने जा रही तुम? चलो हमारी हल्दी तुम्हारे बिना हो सका थे का? आप तो शर्मा रहे हो। बिना मेहंदी हल्दी के शादी कैसे हो जाती है? हाँ। परंपरा है। हाँ। तो संदीप साहब, हाँ। हल्दी लगाओ अपने बेटा को। हाँ साहब, हमारी भावना भी उमड़ उमड़ के आ रही है। कहा है खुशियों पे और भावनाओं पे सिर्फ औरतों को एक अधिकार है वो का नहीं समझे? अरे यार हम स्वयं इनके हाथों में मेहंदी लगावे आ रहे हैं अभी, और ये भाई साहब खड़े ये लगाएंगे हल्दी हैं? तो बनना का तुम्हारा बाप का है वो? वन टू थ्री स्टार्ट। लगी है
रंग पे हल्दी बनी खेलन को मत जाना लगी है अंग पे हल्दी बनी खेलन को मत जाना अगर बागन में जाओगी नजरिया तुमको लगेगी अगर बागन में जाओगी नजरिया तुमको लगेगी लगी है अंग पे हल्दी बनी के लन को मत बहुत जोरदार चलो मेहंदी और हल्दी की रसम हो गई संपन्न एकदम ही खत्म से लग रहा है यार भैया इतने लुटे पिटे रहोगे तो कैसे होगी शादी हम करनो तो नहीं चाह रहे थे मगर हमें लग रहा हो क्या इन्हें शिव बाबा को प्रसाद खिलाना ही पड़ेगा एंड सब दामाद जी दामाद जी एक बढ़िया सी फोटो खींचो हमारी दामाद जी की जे आ गओ लास्ट लाट बुआ जी हाँ जी देखो जी साड़ी अरे जी भी अच्छी है हैं अच्छो है ना अरे बहुत ही अच्छी भारी भी लग रही कितनी जी जी तो ऐसे ही है बुआ जी अरे दिखाइयो जी तो हम महीने तक इतनी साड़ी बोइएगा हैं हाँ नहीं तो हाँ बुआ जी आप आए की दही भाई साड़ियाँ हैं पेरी का नहीं बेटा तुमने का बताएं बुआ जी की काय नहीं पहनी एक जवान जहान मोड़ी की मजबूर माँ ऐसे में का करत है वही करो हमने ऐसी लेन देन की जो टॉप क्लास साड़ियाँ होती हैं वो संभाल के रख लें कि लेन देन के काम आ जाए भैया झूठ का बोल रही अम्मा जी का नहीं बता रही कि रज्जो की चॉइस तुम्हें नोइया अच्छी लगती जिससे ना वो तुम्हें अगली बार बढ़िया अच्छी तुम्हारी चॉइस की साड़ी दिलवा देंगी काय हैं सुनो तुम्हें जी पसंद नहीं आई हाँ और रज्जो हमारी अम्मा तो जी कहती हैं कि ऐसी बुरी चॉइस है रज्जो बुआ की कि का बताएं काम वाली को भी देना तो शर्म आए हमें ओ शिट अब आओ है मजा अब आओ पहाड़ के नीचे जाने का होगा वो दिमाग को जाने का होगा वो अच्छी चीजें पसंद ही नहीं आती क्या करें बुआ जी आप ही बताओ कछु नहीं इलाज करा लो अपनो और क्या करे हैं मैं सन्ना टम्मा इतने आओ तो हम बता रहे मैं सन्नो हटो ऐसे ग्रेट लेडी जो तुमने हमारी मुड़ी पे मारी तो दुख हमारी पीट रही है और मारोगी तो मुड़ी पे क्या फायदा परेशान नहीं हुई अम्मा बस हाँ भाई साहब तो कुछ होगा का बताओ का हुई है भाई साहब ज्यादा समझदारी में इतने उतने पैसे छुपा के रख दिए सरला देवी ने अब आप में से कुछ कागज होगा कैसे वो क्या है पापा जी नोटबंदी के पहले के पैसे हैं अम्मा रख के भूल गई भूल गई तो अब जे की काम के कछु ज्यादा हाथे का समधन जी बहुत बहुत
ज्यादा थे समधे जी, बहुत ज्यादा थे, पूरे 8,000 रुपया थे। 8,000? अरे समन, इतनी सी बात पे आप जो है मतलब अरबों के आंसू बहा रही हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप ऐसी छोटी सी बात को दिल पे मत लो, सब है मतलब भगवान ने दो आपन हो सब। समधी जी, आपने देवदूतन के बारे में सुनो है का? जी? आप देवदूत हो हम लोगन के लाने, तो हम आओ पता नहीं का हो, तो समझ में नहीं आ रहा समधी जी, कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपको। हम तो सेवक हैं आपके। आप सभी लोगों पे जे बड़प्पन है भाई साहब आपका, हम बता रहे हैं आपको। अरे यार भाई साहब, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप जो है हम क्या कह रहे हैं, बस आप तो तैयारी में लगो, आप है ना, व्यवस्था तो अपनी शुरू। अरे हाँ, धर्मशाला बुक हो गई है और अपने कल हैंड ओवर हो जाए। बाकी धर्मशाला की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, इतने जल्दी में सब कुछ भाव है पापा जी। नहीं धमार जी, कछु बातें हो कछु चीजें जो है थोड़ा सो माहौल बनाने के लान भी करे जाते। आप लोग बातें निपटाओ, हम काम निपटाते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं जमा नहीं है। समझन जी, 10-5 मिनट लेट लेती हैं आप, बड़ी थकान लग रही है आपके चेहरा पे। समधी जी, सबरी थकान उतरवा दी आपने। इते आई हो? हाँ माते, तुमसे नहीं कह रहे अलका। स्वीटी तुम आओ बेटा। आओ। हमें ना पक्का घूरे से उठाया होगा इन्होंने। बहू, हमने तुम्हें इते इनको शुक्रिया कहवे के लाने बुलाओ है कि बहू के रूप में इनने हमें तुम्हें दाओ। को और है तुम्हारे जैसो बहुमूल्य हीरा जी को पाके हमने शुक्रिया कहे। अम्मा, सॉरी सॉरी। अच्छा बहू, एक बात बताओ, तुम्हारा रंग हमेशा से इतने साफ तो नहीं है तो ना? हाँ अम्मा, पर अम्मा अब हमारा रंग ना और भी ज्यादा निखर गया है, आप सबका इतना सारा प्यार पाके। चल झूठी। हाँ सच्ची। तो बहू फिर बाद ना तुम क्या कह रही थी अपनी सहेली से फोन पे, वो कोनो क्रीम की बात कर रही थी तुम? हाँ अम्मा, वो ना बहुत अच्छी क्रीम होती है, पाक को लगा के चेहरा ऐसा सॉर्ट में मतलब गोरे हो जाते हैं ना, वैसे तनक रंग साफ हो जाते हैं। तो बहु अपनी गुड़िया के लाने क्रीम है, और बाकी सब भी तुम्हें ही संभाल लियो बहु, तुम्हें पता है कि अलका तो कोनो काम की है नहीं। अम्मा ना, रो नहीं अम्मा, हम है ना, हम सब कर देंगे, हम अम्मा हम तो मार रहे हैं।